और यूएसए की टीम क्या गजब खेली, और उस टीम में यहां रह रहे भारतीयों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। आई सैल्यूट यू ऑल। साथियों, मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, हर लीडर के मुंह से भारतीय डायस्पोरा की तारीफ ही सुनता हूं। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान आपका है, आपके पुरुषार्थ का है। ये सम्मान यहां रहने वाले लाखों भारतीयों का है। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का आभार करूंगा और साथ ही आपका भी आभार व्यक्त करूंगा। साथियों, 2024 का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष है, तनाव है, तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं,
भारत में हुए ये इलेक्शन ह्यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे। आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका की कुल आबादी से भी करीब 2 गुने वोटर्स, इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स, इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। जब हम भारत की डेमोक्रेसी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। तीन महीने का पोलिंग प्रोसेस, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों का पोलिंग स्टाफ, 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, आठ हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स, अलग अलग भाषाओं के हजारों न्यूज़पेपर्स, सैकड़ों रेडियो स्टेशन, सैकड़ों टीवी न्यूज चैनल, करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स, लाखों सोशल मीडिया चैनल्स, ये सब भारत की डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विस्तार का दौर है। इस लेवल की स्क्रूटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है। और साथियों, इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर इस बार भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अब की बार की बात